ओके गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ए टू जी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप लोग अपने जीमेल, सिर्फ एक जीमेल अकाउंट से आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं। अब सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों में भागता है छोटे पैसे। अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल में न्यू है तो अभी द टेक लेक्चरर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लेते ताकि आपको इसी वीडियो रेलवे पर मिलती रहे। ओके गाइस, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं, उसके अलावा आपने सुना होगा आप इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, स्नैपचैट से, उसके अलावा बाकी जो है सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात हूँ जीमेल अकाउंट से, तो जीमेल अकाउंट से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, एक चीज़ आपको बता दूँ जो कि आपको पता होगी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ है और आपके मोबाइल में एक जीमेल लॉगिन है, देन वो आपका क्या होता है, वो चैनल ही होता है। जैसे आप उसको जाते हैं यूअर चैनल में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट इनटू चैनल, तो जस्ट सिर्फ आपने एक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी जीमेल कन्वर्ट होती है आपके चैनल में। अब उस चैनल वो जीमेल आपका बन जाता है चैनल, तो सिर्फ एक क्लिक पे। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो आपके पास ऑप्शन आते नहीं, ऑटोमेटिक आपका वो चैनल ही होता है, मतलब जो जीमेल है वो चैनल ही होता है। अब आपने उस पर किस तरह अर्निंग करनी है मैं बता दूँ। अब ज़ाहिर सी बात है जो यूट्यूब पे अर्निंग लोग करते हैं उसके लिए आपको यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में आपको शामिल होना पड़ता है, आपकी मोनेटाइजेशन आपको एनेबल होनी चाहिए, देन ही आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें विथआउट अर्निंग के और कॉपी पेस्ट अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आप कॉपी पेस्ट काम करेंगे तो उससे आपके चैनल की मोनेटाइजेशन तो अनेबल नहीं होगी, बट आप उससे अदर मेथड से पैसे कमा सकते हैं। अब मिसाल के बाद आपने एक जीमेल बनाई जिसका आपने एक यूनिक सा नाम रख दिया, उसके बाद आपने उस पर कंटेंट अपलोड करना है, जस्ट आपने व्यूज़ लेने, फिर आपने कंटेंट जो है ना मिक्स में कर देना है, कोई और वीडियो अपलोड करी, कोई प्रैंक कर दिया, उसके अलावा कोई व्लॉगिंग कर दिया, टैग कर दिया या अनबॉक्सिंग कर दिया, मतलब आपने वीडियोज मिक्स कर देनी है। जस्ट आपने क्या लेने, व्यूज़। जैसे आपके व्यूज़ आते जाएंगे, मतलब कि अगर आपकी कोई एक वीडियो निकल जाती है, और निकलना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप वीडियोस डेली के बेस पे दो तीन अपलोड कर रहे हैं। और आपने क्या करना है, सिर्फ कट पेस्ट ही करना है, ये नहीं है कि आपने खुद कंटेंट बनाना है, उससे ये करें आपको ज़्यादा मेहनत लगे। वरना अगर कट पेस्ट की बात करूँ तो दिन में आप 5 वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप दिन की 3 वीडियो भी अपलोड करते हैं तो आपके एक वीडियो अगर निकल जाते हैं तो उससे ये है कि आपके चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। अब सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो उससे आपको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। अब जो भी स्पॉन्सरशिप देते हैं वो जस्ट व्यूज़ देखते हैं, वो सब्सक्राइबर नहीं देते। फिर चाहे आपके सब्सक्राइबर 50,000 हो, चाहे आपके सब्सक्राइबर 1,000 हो, वो देखते हैं व्यूज़। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आएँ किसी वीडियो में तो देन आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। फिर उसके ये नहीं होता कि यार वो आपको आपके सब्सक्राइबर देखें, इसके सब्सक्राइबर है 500 और इसको हम क्यों स्पॉन्सर करें, वो जस्ट देखते हैं व्यूज़। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं एक दो वीडियो पर, जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड किए हैं 2-3 उन पर अगर आपके व्यूज़ अच्छे आए थे, मतलब कि 1,000 से भी ऊपर आए थे, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही देन आपने सिंपली क्या करना है कि मुझसे आपने इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप दिलवा दूंगा। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं अगर अपनी चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल के हिसाब से मुझे स्पॉन्सरशिप कभी 2,000 की मिलती है, कभी 3,000 की मिलती है, तो ज़्यादातर होते हैं तो 5,000 की मिल जाए, तो उससे कम की मतलब मिलेगी आपको 1,000 की मिल जाएगी पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ, मतलब आपको $5 की मिल जाएगी, $3 की मिल जाएगी, इतनी तरह आपको मिल सकती है। तो इस तरह जो है ना आप एक सिर्फ जीमेल अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं। अब से मैं आपको ये जो मैंने आपको मेथड बताया इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये विथआउट इन्वेस्टमेंट वाला मेथड है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर विथआउट इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब से बाकी अगर आपको स्पॉन्सरशिप आई तो आपने मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं आपको कोई ना कोई जो मेरे पास स्पॉन्सरशिप आती है जो कि मुझे कम ऑफर करते हैं वो मैं आपके साथ उनका तावन करवा दूंगा। अब से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आदमी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, इसी मजीद वीडियोस के लिए द टेक लेक्चरर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लैम्प करें ताकि आपको इसी वीडियो रिलेटेड पे मिलते रहें। अब दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट में, तब तक रखिए अपना ख्याल, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।